आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूं कि हम जो लास्ट क्लास में कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे रेसिस्टेंस के बारे में, और काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीखा रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, किन लॉस का यूज़ करते हैं। आज की क्लास में बता दूं आपको कि आज की क्लास में वहीं से आगे बढ़ेंगे और मैं कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि जो लॉस हमने सीखे हैं उनको यूज़ कैसे करना है। लास्ट क्लास में मैंने केस करवाया था, आपको दो लॉस बताए थे, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उनका यूज़ कैसे करना है, उनको कैसे हम इस्तेमाल करें कि हमें वो हेल्प करे रिजल्ट निकालने के लिए किसी भी गिवन सर्किट का। आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम लोग आज के सवाल, जो कि है जो हमें बताएगा कैसे हम अप्लाई करके जो भी रिक्वायर्ड है सवाल में वो हमें निकाल सके हम। तो पहला सवाल के लिए एक सर्किट डायग्राम यहाँ बना हुआ है, मैं दिखा दूँ आपको। एक रेसिस्टेंस, यहाँ पर दूसरा रेसिस्टेंस, और उसके बाद सेल्स जुड़े हुए हैं। और ये रहा हमारे पास एक सेल और यहां पे हमारे पास एक सेल ऐसे जुड़ा हुआ है। ये है 4 ओम का, गिवन स्पेसिफिकेशन यहां पे सारे सेल्स का, रेसिस्टेंस का। तो देख लो सेल्स किस तरह जुड़े हुए हैं, नेगेटिव टर्मिनल ये है, पॉजिटिव टर्मिनल ये है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है ना। 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, यहाँ 2 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पे 4 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पे 2 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पे 4 ओम का रेसिस्टेंस। इसके जो कुछ नंबरिंग्स की हुई हैं, इसका नाम दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, हर एक टर्मिनल का नाम दिया हुआ है। अब इस सवाल में कह रहा है फाइंड करेंट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, फाइंड करेंट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ऐसे चीजें दी हुई हैं। अच्छा देखो, अब यहां पे हम क्या करें, करंट निकालना हर एक ब्रांच में, कहने का मतलब कि यहां पे करंट क्या होगा, 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 इस ब्रांच में क्या करंट है, ये हमें निकालना है। तो कैसे करें? अब देखो, पहले तो मैंने जो बताया अभी तक वो बताया हुआ है आपको सीरीज के पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, रेसिस्टेंस के पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ऐसा कुछ तो केस यहाँ लगेगा नहीं। तो हमने जो लॉ सीखा था, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उन लॉस का क्यों ना हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करें और देखें कि हमें रिजल्ट निकालने में ये हेल्प करता है कि नहीं करता है। तो देखो, क्यों ना हम ऐसा कर लें कि यहाँ पे मेरे को एक सेल दिख रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, तो मैं मान लूँ अगर यहाँ से एक करंट I1 फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं करंट I1 फ्लो हो रहा है, तो ये करंट I1 यहाँ फ्लो होगा, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पे भी एक सेल है, इसकी पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ है, तो अगर मैं यहाँ से मान लूँ एक करंट I2 की तरफ, I2 इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसमें करंट जाएगा I2 और यहाँ से भी करंट जाएगा I2। अब I1 यहाँ से आ रहा है, I2 यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे एक करंट और ले लेते हैं, ये मैं चाहूँ तो I3 ले लूँ, ठीक है ना, ये गया ऐसे। अच्छा एक चीज़ और, इस 4 ओम में भी ये I2 करंट रहेगा, ये ऐसे जाएगा, और इस 2 ओम में भी यहाँ पे I1 करंट रहेगा। एक बात तो ये जान लो, सर्किट में ऐसे ऐसे करंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा I1 और जो यहाँ करंट होगा वो होगा I2, जो ऐसे की तरफ होगा I3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर बी जंक्शन पे अगर हम लोग देखें, किरचॉफ करंट लॉ लगाएं, जंक्शन रूल लगाएं, सो एट बी यूजिंग किरचॉफ करंट रूल या किरचॉफ करंट लॉ यूजिंग KCL, KCL का मतलब किरचॉफ करंट रूल, ठीक है ना। यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है कि भाई I1 और I2 इनपुट करंट है, मेरा आउटपुट करंट I3 है, तो जाहिर सी बात हमें शो हो रहा है कि I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3। भाई ये तो दिख रहा है कि ये चीज हम लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो एक चीज हो गया, हम लोगों ने जंक्शन रूल लगा लिया और हम लोगों ने किरचॉफ करंट रूल लगा के हमें एक चीज मिल गई कि भाई करंट्स का कैसा सम है, कैसे वो जुड़े हुए हैं, कैसे एसोसिएटेड हैं, वो निकल के आ गया। इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखते हैं, यहां तक करने के बाद मेरे को अब तो कुछ जंक्शन रूल तो हमने केवल 3 ही वेरिएबल्स लिए हैं करंट के, I1 और I2 और I3, तो I1 और हमें I3 भी मिल गया कि I1 I2 मिल जाए, तो I3 मिल जाएगा। क्यों ना मैं एक काम करूं, क्यों ना मैं इस लूप को ले लूं, ये लूप 1, और इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दूं। तो अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 1,
इसको हम डिनोट करेंगे केवीएल से, लूप वन, या आप चाहें तो इसे लूप बोल सकते हैं, नाम दे सकते हैं ए बी ई एफ ए, ये बार बार मैंने कराया, तो लूप वन ऐसे डिनोट कर दो। हाई टू लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, याद रहने कन्वेंशन ऐसे लेते हैं। अगर मन है खुद से करने का हाई टू लो प्लस लेने का, ले लो, वो भी आंसर सही आएगा। हाई टू लो अगर प्लस लेते हो, लो टू हाई अगर माइनस लेते हो, वो भी ठीक है। लेकिन आमतौर पर मैं क्या करता हूँ, मैं जो लूंगा स्टैंडर्ड लूंगा कि हाई से लो हम लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, वो होगा नेगेटिव, क्योंकि माइनस से प्लस घटाएंगे तो नेगेटिव टर्म आएगा। जब पहला रेसिस्टेंस हमारे रास्ते में पड़ रहा है तो क्या हम देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 4I1, 4I1 पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो हाई से लो जा रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस 4I1, ये रास्ते में पड़ा माइनस 4I1, इस लूप में माइनस 4I1। अब रास्ते में आया हमारे पास I3 आया यहाँ पे, तो I3 ये कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें तो बैटरी मिल रहा है रास्ते में, तो बैटरी मिल रहा है लो टू हाई, अगेन लो टू हाई मतलब प्लस लेना है, तो प्लस 4 वोल्ट। प्लस 4 होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्ट्स में ही हम कर रहे हैं, तो वोल्ट्स की कोई दिक्कत नहीं अलग से लिखने की। अब यहां फिर से जा रहे हैं हाई से लो, तो लेना है माइनस, माइनस 2I1, तो लिख दो यहां पे माइनस 2I1। आगे बढ़ते हैं, फिर आया हमारे पास सेल लो टू हाई, तो प्लस 2 वोल्ट, प्लस 2 वोल्ट बराबर 0, सर्किट खत्म। तो ये टर्म आ गया, यहां से निकल के आ गया कि भाई माइनस 4I1 माइनस 2I1, इधर चला जाएगा 6I1 बराबर 6, I1 बराबर 1 एम्पियर। पहला जवाब तो हो गया I1 बराबर 1 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद I2 निकालना हो तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि ये लूप बना ले, लूप 2। भाई लूप 2 लोगे तो 2 ओम का रेसिस्टेंस, ये दो, ये है 6 वोल्ट का बैटरी, ये 4 ओम का रेसिस्टेंस, और ये 4 वोल्ट बैटरी हमारे रास्ते में पड़ेगा। तो अगर मैं पहले देखो, अगर मैं गुजर रहा हूँ इस तरह क्लॉक वाइज, तो मैं जा रहा हूँ करंट के ऑपोजिट, यानी कि लो से हाई, तो लेना हमें पड़ेगा प्लस, प्लस 2I2। लिख दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हाई से लो, यानी कि माइनस, माइनस 6 वोल्ट, सो माइनस 6। आगे देखते हैं, यहां पे हमारे पड़ा, अब करंट के रास्ते के ऑपोजिट जा रहे हैं, यानी कि लो से हाई, प्लस 4I2, प्लस 4I2। इसके बाद हमारे पास क्या पड़ा, हाई से लो, यानी कि माइनस, माइनस कितना लेंगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस, 4 वोल्ट, माइनस 4 वोल्ट बराबर 0। सिंप्लीफाई करो इसको तो देखो 2I2 प्लस 4I2 6I2 बराबर 10, तो I2 क्या आ गया 10/6, यानी कि 5/3 एम्पियर। क्यों भाई, क्लियर है चीज, 5/3 एम्पियर आ गया I2 की वैल्यू। आगे देखिए हम लोग अब कि ये तो आ गया I1 I2, अब I1 I2 मालूम चल गया तो I3 तो निकाल सकते हो। I3 जो करंट इसमें जा रहा है इस पाथ में, हर ब्रांच में निकालना है, तो I3 भी अगर मेरे को निकालना है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 8/3 एम्पियर। क्यों, क्लियर है चीज, विश्वास करता हूँ कोई इसमें डाउट नहीं होगा, कोई शक नहीं होगा, कोई शंका नहीं होगा, आराम से ये तो समझ गया हो कि I1 I2 I3 हम लोगों ने कैसे निकाला है। सवाल जब भी आता है तो सोचो क्या क्या वेरिएबल्स लें, ठीक है ना, क्या क्या वेरिएबल्स लें और कहाँ पे लें, कैसे उनको रिलेट करें कि हमारे ऐसा वेरिएबल्स एसोसिएट हो जाएं कि जो हमें रिजल्ट लाने में हेल्प करें। मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस वो आपको उतना ही ज़्यादा हेल्प करेगा चीज़ों को समझने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला हर ब्रांच में, इसमें निकाल लिया, यहाँ निकाल लिया, इसमें निकाल लिया, इसमें निकाल लिया, हर एक ब्रांच में हमें करंट मिल गया। तो ये तो था एक सिंपल सा एप्लीकेशन जहाँ मैंने बताया आपको कि कैसे करते हैं हम लोग। जब भी सर्किट में इतनी सारी चीज़ें हों और आपसे कुछ भी पूछे तो सिंपल सा लॉ, कैसे ये करंट लॉ, वोल्टेज लॉ हमेशा एप्लीकेबल होगा। करंट लॉ जंक्शन पे लगाना, वोल्टेज लॉ लूप में लगाना, ठीक है ना, ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, बहुत आसान है ये। आगे देखते हैं
ये चीजें तो हो गई। जिस तरह मैंने बताया था कैपेसिटेंस चैप्टर में कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स का हम कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, आज की क्लास में मैं सिखाऊंगा आपको कि कॉम्प्लिकेटेड केस में हम लोग जब कॉम्प्लेक्स सर्किट्स रहे तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सच ए सर्किट। कुछ रूल्स मैं बताऊंगा जिनका आपको प्रयोग करना है, कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे निकालने के लिए उनका इक्विवेलेंट वैल्यू। तो पहला कर ले हम, पहला मेथड बता देता हूँ। पहला मेथड हम सीखेंगे इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। तो मेथड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारा पहला है इसमें वो है इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। भाई आमतौर पे क्या होगा ना, कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स दिखेंगे तो उनमें कैसे करें, इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। अब देखो ये कैसे करेंगे हम लोग, कभी कभी सर्किट क्या लग रहा है कुछ उसका एंड पॉइंट ही नहीं होगा, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, वो इनफाइनाइटली चलता रहेगा। तो ऐसे सर्किट्स का हम लोग रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे सर्किट मैं पहले बना देता हूँ। देखो सर्किट यहाँ पे कुछ ऐसा बना रहा हूँ कि मेरे पास एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग ये कैसे समझेंगे कैसे करेंगे, ये हमें हेल्प करेगा। हर एक रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम ऊपर में, और यहाँ पे है 2 ओम 2 ओम 2 ओम ऐसे, और ये एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है। ये दिया है टर्मिनल्स ए बी। यहाँ पे जो इनफाइनाइट सीरीज आया करे, जब भी देखो इनफाइनाइट सीरीज देखते हो तो कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, हमें दिख नहीं रहा कि क्या करें सीरीज पैरल। अगर मान लो यहाँ पे खत्म हो जाता सर्किट, अगर मान लो यहाँ खत्म हो जाता तो हमें दिखता 1 और 2 तो चलो सीरीज में है, उनका इवैल्यूएट कर लो, 1 प्लस 2 3, फिर 3 और 2 पैरेलल में कर देते हैं, उनका निकाल लेते हैं, फिर 1 के साथ उसका इक्विवेलेंट हम जोड़ देते हैं सीरीज की तरह। अब यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं कि एंड कहाँ हो रहा है, तो वहाँ से मैं कैसे कैसे करते करते आऊँगा यहाँ तक, आ ही नहीं पाऊँगा, इतना लंबा है ये इनफाइनाइट सीरीज तक है, बढ़ता जा रहा है, मतलब बहुत इनफाइनाइट सीरीज का मतलब एक प्रैक्टिकल सेंस में कि बहुत लंबा है, बट एक सिमेट्री मेंटेन है कि 1 ओम 1 ओम 1 ओम इस तरह कनेक्ट है और 2 ओम 2 ओम इस तरह कनेक्ट है। तो इनका हम कैसे यूज़ करें कैसे निकालें, इसे देखते नहीं हूँ घरों में जब शादियाँ होती हैं आप जब सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जो है छोटे छोटे बल्ब्स जो हैं लगे रहते हैं, जिनको आप जो ब्लिंकिंग लाइट्स होते हैं लगे होते हैं, तो एक नॉर्मल सर्किट रहता है। तो अगर मैं यहीं पर उसके अंदर रेसिस्टेंस होगा, यहाँ पर मैं दिखा दूँ वो ब्लिंकिंग लाइट्स इस तरह लगे हुए हैं, अब इसका समझ में आए अब मैं क्यों इसको कर रहे हैं हम लोग, बहुत लंबी लंबी लड़ियाँ लगी होती हैं, बहुत ब्लिंकिंग लाइट्स बहुत लंबे लंबे लगे होते हैं, सबने देखा होगा दिवाली में ऐसा करते हैं हम लोग सजाते हैं, तो उसी का एक एप्लीकेशन है यहाँ पे। ऑल दो वो हमारा एक पैरेलल तरह से जुड़े रहते हैं, जो दोनों बल्ब जुड़े रहते हैं ताकि सबको सेम पोटेंशियल मिले। दिवाली में आप घर में जो सजावट करते हैं, जो आपने जो झालर लेके आते हैं, जो ब्लिंकिंग लाइट्स लेके आते हैं, लड़ियाँ लेके आते हैं लाइट्स की, उनमें जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है, ताकि हर एक बल्ब को हर एक छोटे छोटे बल्ब को सेम वोल्टेज मिले, ताकि वो अपने ऑप्टिमम एफिशिएंसी से काम कर सके, ऑप्टिमम रोशनी दे सके आपको। ठीक है, सीरीज में नहीं जोड़ते हम उन्हें, ठीक है ना, इसलिए अपने हाथ से कभी जोड़ने की कोशिश मत करना, लेट जैसे वो जुड़ा वैसे जुड़े रहने दो। आगे देखते हैं, जब ऐसे इनफाइनाइट सीरीज आए तो अगर मैं मान लूं कि पूरे सर्किट की रेसिस्टेंस आर है, लेट रेसिस्टेंस ऑफ एंटायर सर्किट बी आर, लेट रेसिस्टेंस ऑफ एंटायर सर्किट बी आर, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा आप जरा एक मेरे को बात सोच के बताओ, इन्फिनिटी में से मैं एक घटा दूं, भाई इन्फिनिटी में तो फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रेसिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। तो भाई 2 ओम रेसिस्टेंस ये है, इसमें पता करना है करंट कितना है,
5 ओम यहाँ है, 10 ओम यहाँ है, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट का बैटरी लगाया। अच्छा, इस सर्किट में क्या करना होगा कि करंट 2 ओम निकल जाए? देखो, यहाँ पे ये वाली सर्किट कंप्लीट इस तरफ है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली सर्किट है इधर। तो अगर हमें किसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए इसके इसके बीच, तो पता कर सकता है हमें कि भाई हाँ कितना करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। तो क्या कुछ ऐसा करें, देखो, या तो ऐसा हो सकता है कि इसमें मान लो करंट गया I1, ठीक है, और यहाँ से करंट I1 गया, यहाँ कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, मान लेते हैं I2 चला गया यहाँ पे, और फिर ये I2 जो है इस सर्किट में फिर फ्लो हो रहा है। अच्छा, I1 गया ऐसे, फिर अगर इधर I1 आ रहा है, जरा खुद से सोचो इस डायग्राम को कि यहाँ पे 2 ओम ऐसे लगा हुआ है, ये एक इंडिविजुअल सर्किट सोचो, ये एक इंडिविजुअल सर्किट सोचो। क्या कुछ ऐसा हो सकता है अगर मैं दो अलग अलग सर्किट दिखाऊं, मान लो एक सेल इस तरफ है, यहां पे इस तरह लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास है 10 वोल्ट का सेल और ये है 5 ओम का बैटरी, सॉरी 5 ओम का रेसिस्टर, इंडिविजुअल ये सर्किट है और यहां पे हमारे पास इंडिविजुअली 10 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है और ये 20 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ये रहा हमारे पास 10 ओम। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं इन दोनों वायर्स को जोड़ दूं और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दूं तो क्या कोई करंट चलने लगेगा? ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है? भाई इंडिविजुअली इसमें करंट फ्लो हो रहा है, भाई कोई पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स तो नहीं लगा रहे ना हम बीच में? एक नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग वाला सवाल है, थॉटफुल क्वेश्चन है। इसी तरह यहां पे इंडिविजुअल करंट फ्लो हो रहा था, इसमें मान लो इसमें I1, मान लो इसमें I2, तो ये क्या मतलब है? हम यहाँ वायर से वायर एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो एक नया करंट फ्लो होने लगेगा? जब तक आप पोटेंशियल का सोर्स नहीं लगाओगे तब तक कैसे करंट फ्लो होगा? कोई बैटरी का सोर्स नहीं आ रहा बीच में, ठीक है, कभी भी सर्किट में देखना कुछ ना कुछ हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का सोर्स होता है, तब जाके वहां पे करंट फ्लो होता है, या तो करंट डायरेक्शन में कोई रेजिस्टेंस लगा हो तब करंट फ्लो होता है। यहां पे तो आपने एक इंडिविजुअल सर्किट ये बीच में वायर लगा दिया, कैसे फ्लो होगा यहां पे करंट? ठीक है, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे वी कैन नॉट लेट एनी करंट फ्लो थ्रू दिस वायर, इसमें कोई वायर में करंट फ्लो नहीं होगा, इंडिविजुअल करंट इसमें फ्लो होगा एक कुछ I1, इसमें फ्लो होगा कुछ I2, यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, वो जीरो ही रहेगा, ठीक है, ऐसे करेंगे सवाल, थॉटफुल क्वेश्चन है, ज्यादा वक्त नहीं देना है, पिछले बार ये जेई मेंस में आ चुके हैं। तो एक बात तो क्लियर हो रहा है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं हमारे जेई मेन एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट थिंग, तो यानी कि आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0 एम्पीयर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थॉटफुल क्वेश्चन, कि बस सोच के हमें जवाब देना है कि इस तरह के सर्किट में, इस वायर में, इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, सीखने वाला सवाल है, लर्निंग क्वेश्चन। 7th, इन सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रू, ऑप्शन दिया हुआ है यहां पे 3 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 8 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम और यहां 8 ओम, ठीक है ना, दिया हुआ है सब क्वेश्चन में कि 3 ओम रेजिस्टेंस में 0.5 एम्पीयर करंट है, 3 ओम रेजिस्टेंस में 0.25 एम्पीयर है, 4 ओम में 0.5 एम्पीयर है, 4 ओम में 0.25 एम्पीयर है, पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें देखना है 3 ओम और 4 ओम में चेक कर लें कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। 3 ओम ये रहा हमारे पास और 4 ओम रहा हमारे पास ये रहा, ठीक है, तो सबसे पहले 3 ओम में तो आसानी से निकल सकता है, वो ऐसा इसलिए कि सिंपली पता कर लो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। मैं पूरे सर्किट को दिखा देता हूं यहां पे, 9 वोल्ट ये लगा है 3 ओम, 8 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 8 ओम, 8 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, ठीक है, ये रहे हमारे पास सर्किट ऐसा और ये रहा 9 वोल्ट का सेल। अब इसमें पता करना है 3 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो बहुत सिंपल है कि पहले क्यों ना हम लोग पता कर लें कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। 2, 4, 6, 2, 8, 8 और 8 पैरेलल में तो हो जाएगा 4,
फिर 2 4 2, फिर 8 8, और पैरेलल में 1 सॉरी 4, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये 4 सॉरी ये 8 और ये 4 बना दिए, तो 3 4 7 to 9 ohm रेजिस्टेंस। तो आर नेट हुआ इस सर्किट का 9 ohm, करंट जो फ्लो होगा I, that will be equal to V by R net, यानी कि 9 volt by 9 ohm, 1 ampere current flow होगा, 1 ampere current, तो 1 ampere current गया हमारे पास सर्किट में, ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे, I equals to 1 ampere, अब 1 ampere गया यहाँ 3 ohm से, और ये distribute हो जाएगा यहाँ पे दो parts में, मान लेते हैं ये distribute हो I1, और यहाँ पे distribute हुआ I2 के form में, दो form में distribute हो जाएगा, फिर इधर भी 1 ohm 1 ampere करंट चला जाएगा। तो पता कर ले हम लोग I1 और ये I2 की वैल्यू कितनी होगी, ये पता कर सकते हैं हम लोग। अच्छा देखो, I1 की वैल्यू कैसे निकल के आएगा, हमें पता चल रहा है कि 1 ampere करंट आ रहा है और I डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये तो हमें पता है कि इस सर्किट में और इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। तो मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो करंट डिस्ट्रीब्यूट इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि देखो 2 यहां पर नेट कितना था, 4, 2 4 6 2 8, 8 यहां पे है और 8 यहां पे है, जाहिर सी बात हमारे पास कि 0.5 एम्पियर करंट जाएगा इसमें, बहुत लॉजिकल है ये, इसमें कितना जाएगा 0.5। इसी तरह अगर यहां देखें, हम लोग आगे बढ़े इस पार्ट में देखें, तो 0.5 भी दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, और मान लेते हैं इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम लोग I3 और इसकी वैल्यू लिख देते हैं I4, जो कि हो जाएगा 0.25 और ये 0.25 एम्पियर। कैसे, 8 2 4 6 2 8 8 8 है, बराबर है, यानी कि बराबर रेशियोस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 0.25। तो ऑप्शन चेक करते हैं, 3 ओम रेसिस्टेंस इज 0.5 एम्पियर, नो 1 एम्पियर है, तो गलत है, 3 ओम रेसिस्टेंस 0.25 एम्पियर, नहीं भाई 0.25 भी नहीं है, 1 एम्पियर है, 4 ओम में 0.5 है, नो 4 ओम में 0.25 है, दिख रहा है मैं साफ साफ यहाँ पे 4 ओम में 0.25 है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टेप वाइज करो, ज्यादा मुश्किलात नहीं होंगी कोई भी क्वेश्चंस करने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। 1, इन अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द सेल एंड द गैलोमीटर आर एक्सचेंज्ड द नल पॉइंट इज डिस्टर्ब्ड, पहला चीज। दूसरा, अ रियोस्टैट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तीसरा, किरचॉफ सेकंड लॉ रिप्रेजेंट्स एनर्जी कंजर्वेशन। डी, व्हीटस्टोन ब्रिज इज द मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल द 4 रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो पहला, देखो इन वीट्स बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द सेल एंड द गैलोमीटर आर एक्सचेंज्ड द नल पॉइंट इज डिस्टर्ब्ड। भाई हमारे पास अगर ग्रेट व्हीटस्टोन ब्रिज अगर मैं बनाऊं यहां पे, देखो ऐसा बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज, मान लो इधर हमने गैलोमीटर लगाया है, इधर हम लोगों ने सेल लगाया है, इन दोनों पॉइंट्स का टर्मिनल पोटेंशियल तो सेम होता है, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है, तो हमें कहाँ मिलेगा, हमें मिल जाएगा नल पॉइंट, तो यहीं कहीं मिल जाएगा कि कहाँ पे, अगर हम देखें अगर एक यहाँ पे सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो रेसिस्टेंस रेशियो में होना चाहिए, तो चाहे सेल इसके क्रॉस लगा दो यहाँ पे लगा दो, आपको नल पॉइंट तो सेम जगह मिलेगा, सेल कैसे भी लगा दो, चाहे इसे मीटर ब्रिज के केस में सोच सकते हो, मीटर ब्रिज के केस में सोच सकते हो कि सेल बदल लो और हमारे पास अगर गैलोमीटर बदल दो तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा, नल पॉइंट इज नॉट डिस्टर्ब। ऐसा नहीं होता है, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है, इट्स अ गलत रॉन्ग स्टेटमेंट। रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, यस इट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है ना, क्योंकि हम रेजिस्टेंस वैराई कर सकते हैं इससे। किरचॉफ सेकंड लॉ रिप्रेजेंट एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन के बारे में है यहाँ पे, इट्स नॉट एनर्जी कंजर्वेशन, ये है सॉरी ये एनर्जी कंजर्वेशन ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग, व्हीटस्टोन ब्रिज इज द मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल द 4 रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यस इट्स मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल द 4 रेजिस्टेंस आर ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तब बहुत सेंसिटिव होता है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, यहां पे ये चीजें हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नाइन्थ, इन अ लाइट इन अ लार्ज बिल्डिंग देर आर 15 बल्ब्स ऑफ 40 वॉट, 5 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट, 5 फैंस ऑफ 80 वॉट एंड 1 हीटर ऑफ 1 किलो वॉट. द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिक मेन्स इज 220 वोल्ट. द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द मेन फ्यूज ऑफ द बिल्डिंग विल बी 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 4 एम्पियर. कि इतना करंट तो ये अलाउ कर दे फ्लो होने से, इसका मतलब यही है कैपेसिटी. टोटल पावर कंज्यूम निकाल लेंगे हम लोग तो वो होगा, देयर आर 15 बल्ब्स ऑफ 40 वॉट. तो टोटल पावर जो कंज्यूम हो रहा है वो होगा 15 × 40 + 5 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट + यहां पे है 5 फैंस ऑफ 80 वॉट एंड 1 हीटर ऑफ 1 किलो वॉट. 1 किलो वॉट दैट इज 1000 वॉट. ठीक है. द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिक मेन्स इज 220 वोल्ट इज इक्वल टू 15 × 4 = 600, 5 × 100 = 500, 8 × 5 = 4400 + 1000. 600 × 1100 + 400 + 1500 + 1000, so 2500 watt. इतना तो पावर कंज्यूम हो रहा है, 2500 watt. तो हमारे पास करंट कितना, हम जानते हैं पावर इक्वल्स टू I इंटू वी. I निकाल लें पावर बाई वी से, 2500 / 220 कैंसिल आउट हो गया जीरो, तो 2500 समवेयर अराउंड ये निकल के आएगा. देखो 250 / 22, तो दिस विल गिव मी समवेयर अराउंड 250, 220, और अगर हम एक बार 25/22 करें तो 1.1 आ गया. और फिर इसके बाद अगर आगे करें तो बचेगा हमारे पास 8 times ये आएगा 8 एंड देन 80 समवेयर अराउंड 1.17, तो 11.7 एम्पियर आएगा. 11.7 एम्पियर कुछ करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, ये निकल के हमारे पास आ रहा है. तो अगर इसे हम सॉल्व करें यहाँ पे, इसे निकालें, 11.7 एम्पियर आ रहा है, यानी करंट जो इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो कितनी होगी. यहाँ पे 8, 10, 12, 14 दिया है, तो 12 एम्पियर होगा. भाई ये लगा दो, इतना फ्यूज लगा दो, ये लगाना ज़रूरी होगा, तभी इतना करंट अलाउ कर सकते हैं हम फ्लो होने के लिए, 11.7 एम्पियर. ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट करते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10. अ रिजिड कंटेनर विथ थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स कंटेन्स अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम. यहाँ पे रिजिड कंटेनर हमारे पास, उसमें कॉइल लगा 100 ओम का, कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर. चेंज इन इंटरनल एनर्जी आफ्टर 5 मिनट विल बी. देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है हमारे पास यहाँ पे, तो हम देखें कि कितना एनर्जी हम लोगों ने डिलीवर किया है. 100 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट है 1 एम्पियर और 5 मिनट टाइम है. तो अगर हम लोग एनर्जी जो डिलीवर हुआ है, एनर्जी डिलीवर्ड दैट विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. करंट हमारे पास 1 एम्पियर है, रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस यहां पे है 100 ओम का और टाइम है 5 मिनट, सो 5 × 60. ठीक है, सो 100 × 5 × 60 = 530, 300 × 100, तो दैट विल गो 3 × 10⁴ जूल्स. ठीक है ना, ये हमारे पास आंसर आ रहा है. तो दिस विल बी समवेयर अराउंड 30 किलो जूल्स. अब भाई इतना आपने एनर्जी डिलीवर किया है, तो दिस एनर्जी विल बी इम्पार्टेड टू द थर्मली इंसुलेटेड वेसल, कोई किसी तरह डिसिपेट नहीं होगा.